हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बनाना आइसक्रीम का स्मूदी। बहुत ही टेस्टी है और बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे है। सब बड़े भी खा सकते हैं, लेकिन घर में जो सामान होगा उसी से बन जाएगा। तो ये है मेरे पास ओट्स बिस्कुट और उसके साथ मैंने चॉकलेट। अगर आप लोग के पास क्रीम बिस्कुट है तो आप क्रीम बिस्कुट भी यूज़ कर सकते हैं। ये है कुछ बनाना, ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि मैं 1 ग्लास अराउंड बना रही हूँ। और ये वनीला आइसक्रीम, आप लोग चाहे तो कुछ भी फ्लेवर का यूज कर सकते हैं। ये है जो मिल्क पाउडर होता है, तो मिल्क पाउडर ये है, ये थोड़ा सा गर्म किया हुआ, बॉईल किया हुआ अच्छे से, ये काउ मिल्क। तो इसको मैं ब्लेंड करूंगी। पहले मैं एक जान लेती हूँ, पहले मैं ये बिस्कुट है इसको मैंने ब्लेंडर में ले रही हूँ, इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लूंगी। एकदम बहुत करने ऑन ऑफ करके हम लोग इसको ब्लेंड करेंगे, ठीक है। ये मैंने बिस्कुट को ग्राइंड कर लिया है। अब मिक्सिंग जार में क्या करूंगी, इसमें जो चॉकलेट है मिक्सिंग जार में, ये चॉकलेट मैं दे रही हूँ, और ये बनाना भी दे रही हूँ, जो केला है उसको भी दे रही हूँ, और इसमें थोड़ा सा जो मिल्क है मिल्क को भी इसमें दे रही हूँ। ओके, अब इसको मैं ब्लेंड करती हूँ। अब जो ये मिल्क पाउडर है, अब थोड़ा सा मैं इसमें दूध डालती हूँ। अब इस थोड़ा सा मिल्क पाउडर को थोड़ा सा मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। एक्चुअली मैं मिल्क पाउडर इसलिए यूज कर रही हूँ, इसमें अच्छा टेस्ट आएगा, चॉकलेट ये मिल्क पाउडर, तो इसीलिए इसको अच्छे से हम लोग इसको इस तरह से हम लोग दूध से मिला लेंगे, ठीक है। ये देखिए, इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये मैंने जो चॉकलेट और केला बनाना का जो मिक्स था उसको हम लोग अच्छे से दूध के साथ ग्राइंड कर लिया है। अब मैं एक ग्लास लूंगी, उसको हम लोग इस तरह से इसको दे दूंगी, ठीक है। और जो बिस्कुट का जो पाउडर बना है उसको मैं इस तरह से इसको हम लोग दे देंगे। ये जो चॉकलेट और केला का मिक्स था और जो बिस्कुट का पाउडर था, ये हम अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आप लोग चाहे तो इसको थोड़ा सा पतला भी कर सकते हैं। अब क्या इसको लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि मैंने जो पाउडर दूध का मिल्क है इसको भी डालना पड़ेगा, और थोड़ा सा दूध और मैं डालूंगी, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे मिल्क को, क्योंकि मुझे बहुत पतला नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि पूरा डाल देंगे तो बहुत पतला हो जाएगा। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा वैनिला आइसक्रीम अभी दूंगी और थोड़ा सा ऊपर से दूंगी। इस तरह से वैनिला आइसक्रीम हमने दे दिए। हाँ, मैंने एक अलग से ग्लास लिया है। अब जो मिक्स किया है इसको हम लोग इस तरह से हम लोग बेक, ये तो परफेक्ट हुआ है क्योंकि थोड़ा सा हम लोग खाली रखेंगे क्योंकि ऊपर से मुझे क्या देना है आइसक्रीम। क्योंकि ये आइसक्रीम है तो आइसक्रीम तो मुझे ज्यादा देना ही पड़ेगा। फिर जब आप लोग इसको खाएंगे तो आइसक्रीम और जो ड्रिंक स्मूदी बना है उसके साथ आप लोग मिक्स करके खाइए। ये है वेनिला और केला का जो स्मूदी, बहुत ही अच्छा होता है। इसको आप लोग जरूर बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनता है, झटपट बना देगा। बच्चों का अगर अलग से कुछ बिस्कुट के साथ खिलाना है तो कुछ नया ट्राई करना है तो इसको जरूर ट्राई कीजिए। और कैसा लगा ये रेसिपी, कैसा लगा ये स्मूदी, प्लीज बनाइए और बताइए कमेंट बॉक्स में। और अच्छा लगा तो रेसिपी को लाइक कीजिए, मतलब वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ।